प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उत्तरश्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को तेज रफ्तार और विस्तार देते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। बीजेपी नेता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, बाइक से आए थे हमलावर, दुकान के सामने ही रोक कर किया हमला। कर्नाटक में हिजाबाद फिर बढ़ सकता है मुस्लिम संगठन, राज्य में 13 नए कॉलेज जो खोलेंगे, जहां लड़कियों को हिजाब पहनना बैन नहीं होगा। तो मेरे घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे, एसएससी स्कैम में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में किए कई खुलासे। विपक्षी दलों ने 19 राज्यसभा सांसद निलंबित, तृणमूल ने कहा देश में लोकतंत्र की को निलंबित कर दिया गया। एनसीआर में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मिला, बुखार के साथ शरीर पर दाने, एलएनजेपी में भर्ती। अदम्य साहस और उत्कृष्ट सेवा का नाम है सीआरपीएफ, स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। मलयालम अखबार को यूएई में प्रतिबंध कराने के दावे पर सीएम विजय बोले ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमरनाथ में फिर भारी बारिश, 4000 श्रद्धालुओं को निकाला, यात्रा भी रोकी गई। 8 जुलाई को बाढ़ से 15 श्रद्धालु मारे गए थे। पांच राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से यूपी में 10, बिहार में 11 लोगों की मौत, आंध्र प्रदेश में बाढ़ में 7 लोग बहे। एक से मोहब्बत, दूसरे से नफरत, तो वैसी का तंज, कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, तो कम से कम हमारे घर को तो मत तोड़िए। पाकिस्तानी महिला एजेंट को गोपनीय दस्तावेज और वीडियो भेजो। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर के बीच एक आतंकी ढेर, 3 आतंकी अभी छिपे। घोटाले में फारूक के खिलाफ 4 सीट, एसोसिएशन में 113 करोड़ की बंदरबाड़ का मामला, ईडी कर रही जांच। चुनाव में फ्री ऑफर से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, कहा पॉलिटिकल पार्टियां लालच देती हैं, रोक के लिए केंद्र जल्द रास्ता निकाले। उद्धव बोले दिल्ली ने पीठ में छुरा घोंपा, जब अस्पताल में हिलने लायक भी नहीं था तभी सरकार गिराने की साजिश रची। झांसी में लड़की का अश्लील वीडियो बनाए, रुपए की डिमांड, शादी करने का भरोसा देकर रिलेशनशिप में रहा युवक, दूसरी जगह की शादी। पढ़ाई की उम्र में बमबाजी, गैंगवार प्रयागराज में कॉन्वेंट स्टूडेंट ने बनाए इमोर्टल तांडव जैसे फिल्म का नाम, वाले गैंग 22 दिन 35 पकड़े गए। घर लौट रही छात्रा के साथ युवक ने की छेड़खानी, चेहरे पर तेजाब फेंकने और जान से मारने की दी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में 25 लाख लोगों को लगेगा निशुल्क बूस्टर डोज, 19 से 80 सहित 20 केंद्रों पर लगाई जाएगी, मोबाइल पर मिलेगा मैसेज।
मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत। विंध्याचल में छत पर बैठा था किशोर, मड़िहान में धान लगा रहा था किसान। चकमा देकर कानपुर हिंसा के आरोपी ने किया सरेंडर, अकील खिचड़ी सिस्टम को फेल कर पहुंचा जेल, पुलिस को दूसरे दिन हुई जानकारी। काशी में देखा कॉमनवेल्थ का उत्साह, मेडल के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना, तिरंगा के लिए लोगों ने उतारी भारत माता की आरती। भदोही में आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक, 4-4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की। अंबेडकर नगर में औषधि केंद्र पर नहीं है दवाई, 300 में 100 दवाएं भी उपलब्ध, मरीज महंगी दवा लेने को मजबूर। चंदौली के सदर कोतवाली पर वसूली का आरोप, रक्षक जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने किया ट्वीट, सीएम से हुई शिकायत। नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र स्कॉर्पियो से तीन कारों में मारी टक्कर, एक युवक को रौंदा। झांसी में पुलिस वालों के घर में चोरी, सोने घर से कैश और बर्तन चुरा कर ले गए बदमाश, कानपुर में तैनात है पुलिसकर्मी। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रेलर डिवाइडर में टकराया, ट्रेलर में फंसे ड्राइवर की हालत गंभीर, नींद आने से हुआ हादसा। फरुखाबाद में पांचाल घाट में गंगा में छलांग लगाते बच्चे, डेंजर पॉइंट के करीब बह रही है गंगा, चंद कदम दूरी पर है पुलिस चौकी। डीएम ने प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी व पीएचसी का किया निरीक्षण, डीएम ने बच्चों से की बातचीत, पूछे सवाल। चुनाव में शिक्षा मित्र को विधायक ने बना दिया अपना प्रतिनिधि, स्कूल में पढ़ाने की जगह क्षेत्र में कर रहे प्रचार, नेताओं के साथ होती है बैठक। यूपी से मेघालय भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष गिरफ्तार, फार्म हाउस में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, हापुड़ से दिल्ली जाते समय दबोचा गया। दो करोड़ ठगने वाले चार ठगों पर लगा गैंगस्टर, वाराणसी में जीएसटी में छूट दिलाने का झांसा देकर की गई ठगी, बरामद हुए 1.87 करोड़ रुपए। ट्रेन चेकिंग में आरपीएफ ने पकड़ी अवैध शराब, अलीगढ़ जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेसवे में हुई कार्रवाई, 20 बोतल अवैध शराब पकड़ी। रुड़की में यूपी हरियाणा के कावड़ियों में संघर्ष, मुजफ्फरनगर के फौजी की मौत, डिवाइडर से टकराकर चार की गई जान। बुलेट नहीं मिली तो घर छोड़कर चला गया छात्र, गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर 2 घंटे में खोज निकाली। प्रयागराज में कॉन्वेंट स्कूल के 11 छात्र गिरफ्तार, गैंग के सदस्य छात्र दबदबा कायम करने के लिए करते थे बमबाजी और फायरिंग की वारदात। आजमगढ़ जेल में प्रशासन ने मारा छापा, 12 मोबाइल फोन और 97 गांजे की पुड़िया बरामद। महिला को बंधक बनाकर जेवरात और नकदी लूटी, आगरा में गमछा बांध कर घर में घुसे बदमाश। रामपुर में युवती समेत 3 पर तलवार से हमला, चोरी करने की शिकायत पर नाराज थे दबंग, घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम।
पुलिस के रोकने पर कांवड़ियों ने किया प्रदर्शन, जमकर हुई नोकझोंक, समझाकर मामला कराया गया शांत। अलीगढ़ में हिंदुओं लड़कियों की तस्करी का गैंग पकड़ा, गैंग का मुस्लिम सरगना हिंदू बनकर झारखंड से करता था सप्लाई, तीन लड़कियां मिली। उन्नाव में स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज के साथ किया भद्रता, इलाज कराने पहुंचा था बुजुर्ग, सीएमओ बोले मामला सही हुआ तो होगी कार्रवाई। सिगरेट न देने पर युवक ने फूंक दी खुद की बाइक, पहले दुकान में मारी टक्कर, फिर टंकी से पेट्रोल निकालकर लगाई आग। कासगंज सड़क हादसे में एक युवक की मौत, कैंटर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, दूसरा गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के रुड़की में जमीनी विवाद में युवक की हत्या, मारपीट कर छत पे फेंका, तीन लोग हिरासत में। उत्तराखंड के चार पहाड़ी जिलों में भारी बारिश, येलो अलर्ट, प्रदेश में 146 सड़कें बंद। कांवड़ यात्रा संपन्न, हरिद्वार से 3.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने उठाया गंगाजल। दर्दनाक हादसा, हरिद्वार के गंगा में डूबे दिल्ली के दोनों युवकों ने के शव बरामद, 3 दिन पहले डूबे थे चार दोस्त। में कांवड़ियों के दो गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, एक की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पंद गांव में हाईवे का 50 मीटर पुश्ता धंसा, पागल नाला भी बना मुसीबत। बीमार महिला को कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलने चमोली के ग्रामीण, खतरनाक रास्ते को पार कर पहुंचाया जाता। उत्तराखंड में जमकर बिक रही है सरकारी नौकरियां, यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा लीक में उठे कई सवाल। उत्तराखंड में पत्नी के 72 टुकड़े कर डीप फ्रीजर में रखकर रोजाना फेंके एक एक अंग, अब हाईकोर्ट ने दी बेरहम हत्यारे को जमानत। कोटद्वार में अवैध संबंध के चलते देवर संग मिल कर दी पति की हत्या, मुकदमा दर्ज, भाई गिरफ्तार, पत्नी हुई फरार। उत्तराखंड में बरसात ने विद्युत गृहों में बढ़ा उत्पादन, बिजली आपूर्ति में भी हुआ सुधार। हल्द्वानी में जवाहर नगर और नई बस्ती संक्रमित जोन घोषित, सुअर मांस प्रतिबंधित। उत्तराखंड में भौजी का घर साफ कर गए चोर, रजिस्ट्री हाथ लगी तो 60 लाख में मकान भी बेचने लगे नाबालिग गिरफ्तार, सरगना फरार। रुड़की में 5 कांवड़ यात्रियों की अलग अलग दुर्घटनाओं में मौत, 37 हुए घायल, गंभीर घायलों को हायर सेंटर किया रहे। उत्तराखंड में भारी बारिश से बागेश्वर में कई मकान ध्वस्त, 14 परिवार बेघर। सुलक्ट्रस्ट से बहस के दौरान एंकर बेहोश, मुंह माय गार्ड कहकर गिरी, कुछ देर रुकी रही रिकॉर्डिंग, बाद में दूसरे एंकर ने पूरी की डिबेट।
7.1 की तीव्रता वाले भूकंप से हिल गया फिलीपींस। राजधानी मनीला में बिल्डिंग्स में आई दरार। ताइवान विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे चीनी राष्ट्रपति से वार्ता, कई मुद्दों पर चर्चा संभव। इराक में हुई भारी बमबारी की इंडिया ने की कड़ी निंदा। टर्की के हमले में 9 नागरिक मारे गए, 33 हुए घायल। श्रीलंका लौटेंगे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। सिंगापुर में केवल 14 दिन रहने की मिली थी मंजूरी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज के बेटे हमजा को झटका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। परवेज इलाही होंगे पंजाब के नए सीएम। मरियम बोली, नैतिक तथा पलट। स्पेस स्टेशन में अमेरिका का साथ छोड़ेगा रूस। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से नाराज पुतिन का फैसला। यूक्रेन से जंग के बाद लगाई गई पाबंदी। म्यांमार में 50 साल बाद सजाए मौत। सेना ने 2 लोकतंत्र समर्थकों समेत 4 को फांसी पर चढ़ाए। इनमें आंग सांशू की सरकार के पूर्व सांसद भी शामिल। कांगो में भारत के 2 शांति सैनिक शहीद। संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन तेज, देश छोड़कर जाने की मांग। चीन के वुहान बाजार में 1 नहीं निकले थे 2 कोरोना वायरस। दुनिया में यूं मचाया कहर, शोध में बड़ा खुलासा। सोना बेचने से हुए प्रॉफिट पर भी लगता है टैक्स। निवेश की अवधि के हिसाब से होता है टैक्स का कैलकुलेशन। यहां समझे पूरा गणित। बीजिंग मेलबोर्न जैसे शहरों में ऑफिस रेंट घटा, लेकिन बेंगलुरु में 12% बढ़ा ऑफिस रेंट। यह एशिया प्रशांत में सबसे ज्यादा बढ़ा। बैंकों में अनक्लेम्ड मनी बढ़ी, बैंक में जमा 48,000 करोड़ का कोई दावेदार नहीं। आरबीआई छोड़ेगी मुहिम, जॉइन किन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा रकम। चीन में लॉकडाउन और कुछ सरकारी नीतियों का असर। 1 साल में सर्जरी डिवाइसेस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दाम 18% तक बढ़े। एयर इंडिया सीईओ नियुक्ति का रास्ता साफ। विल्सन को होम मिनिस्ट्री का सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला। 12 मई को सीईओ बनाने की घोषणा हुई। चेक भुगतान का नया नियम। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 अगस्त से लागू कर रहा पॉजिटिव पे सिस्टम। 5 लाख या इससे ज्यादा के चेक पर लागू होगा। सोने चांदी में गिरावट जारी। जुलाई में अब तक सोने में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट, चांदी भी 4,000 रुपए गिरी। स्पेक्ट्रम के लिए पहले दिन की बोली खत्म। टेलीकॉम मिनिस्टर बोले 15 अगस्त तक स्पेक्ट्रम अलोकेशन और साल के अंत तक 5G सर्विस। कोटक महिंद्रा ने एफडी की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। 1 साल की एफडी पर मिलेगा 5.60% ब्याज। यहां देखें नई ब्याज दर। गूगल को फाउंडर के साथ मस्क की पार्टी फोटो शेयर हुई तो खुद जवाब देकर अनबन की बात का करारा। सरगोई ने बताया दोस्त। सीडब्ल्यूजी से हटे नीरज चोपड़ा का इमोशनल पोस्ट। लिखा, निराश हूं क्योंकि ओपनिंग में तिरंगा नहीं थाम सकूंगा। भारतीय दल के लिए मांगा समर्थन। नेमार को खिलाड़ी ने छुआ तो गिर पड़े। मैच के दौरान बिना चोट लगे खूब चिल्लाते रहे, ऐसा लगा बड़ा हादसा हो गया।
जॉनी बेयरस्टो को बाहुबली बनना पड़ा महंगा, ऐसे के खिलाफ टी20 सीरीज में हो सकते हैं बाहर। बल्लेबाज सईद हमीद के साथ धोखा गेंदबाज की मैजिक गेंद पर बल्ला खड़ा कर हो गए वो। इजमामुल हक के भतीजे इमाम की हरकत से भड़के फैंस सिर्फ टॉवल पहने ड्रेसिंग रूम में दिखे। लाइफ के नाम पर बैकफुट पर धोनी, पंत ने कहा माई भाई को लाइफ कॉल पर ले लो तो धोनी ने हंसते हुए झटक दिया फोन। दो हजार 25 में विमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत, बांग्लादेश इंग्लैंड में होंगे 2024-26 के टी20 वर्ल्ड कप। आईसीसी ने 5 साल के क्रिकेट कार्यक्रम का किया ऐलान। वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी में टीम इंडिया, मेडल कंडीशनिंग कोच पैट अपटन फिर टीम से जुड़े। मैच के दौरान कबड्डी खिलाड़ी की मौत, विपक्षी प्लेयर को छूकर भागते हुए गिरा फिर नहीं उठा, पिता ने जीती ट्रॉफी के साथ दफन। गुस्ताव ने सबसे कम उम्र में लगाई टी20 सेंचुरी, फ्रांस के बैचर ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बनाया रिकॉर्ड, 61 गेंद में 109 रन जड़े। भांगड़ा स्टार बलविंदर सफरी का निधन, 63 साल के सिंगर ने इंग्लैंड में ली अंतिम सांस, 86 दिन अस्पताल में थे एडमिट। करीना ने शेयर किया प्राउड मॉम मोमेंट, 5 साल के तैमूर अली खान ने सीखी स्पेनिश, खुद होकर बेबो ने वीडियो में दिखाया सर्टिफिकेट। रत्ना पाठक शाह ने कहा भारत रूढ़िवादी बनता जा रहा है, 21वीं शताब्दी में औरतों के लिए कुछ नहीं बदला, क्या हम सऊदी अरब जैसा बनना चाह रहे हैं। कैटरीना थ्रेट केस, धमकी देने वालों को कोर्ट ने कस्टडी में भेजा, एडवोकेट का दावा मनविंदर को 3 साल से जानती है कैटरीना और उनकी बहन। शूटिंग रैप अप फिल्म पूजा मेरी जान की खत्म हुई शूटिंग, हुमा कुरैशी के साथ मृणाल ठाकुर आएंगी नजर। बॉलिंग के बाद दोस्त के पैर पर गिरे थे दीपेश, दोस्त के मौत के पहले की कहानी बोले उन्हें मेरी बाहों में दम तोड़ा। करियर के उतार चढ़ाव पर यश टोक बोले उतार के समय वृद्धि थोड़ी स्तर रहती है, उसमें की सीखने की जरूरत होती है। टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी का हुआ ब्रेकअप, 6 साल तक डेट करने के बाद अलग हुए दोनों, 1 साल पहले आए थे रिश्ते में दरार। ईशा गुप्ता का फिटनेस वीडियो, एक्ट्रेस ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, जिम में खूब पसीना बहाती दिखी। कार्तिक बताया शाहरुख के साथ वायरल वीडियो का सच, कहा उन्होंने मेरे कान में भूल भुलैया 2 की तारीफ की थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।